मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दशहरे का पर्व अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का संहार किया था। पूरे भारत में ये पर्व परंपरागत श्रद्धा भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सत्य, मर्यादा न्याय, शांति, परोपकार और लोक कल्याण हेतु समर्पित थे। नैतिक, मानवीय और सामाजिक मूल्यों के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन सद्मार्ग पर चलने एवं आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। विजयदशमी का पर्व हमें आशा, उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विजयदशमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने आतंक, अन्याय एवं अधर्म के पर्याय रावण पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी शक्ति उपासना का उत्सव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी के अवसर पर आयोजित तो होने वाले कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करने की अपील की है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। सभा के महामंत्री आदरणीय श्री पुष्प जैन जी से हमारे कुछ ही देर में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ समस्त आदरणीय भक्त जन यहाँ पर खड़े हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें, बड़ी कृपा होगी। आज श्री रामलीला समिति के आरंभ यहाँ के विगत 103 वर्षों से रामलीला का समिति और यहाँ का सभी जनमानस हम परम पूज्य यहाँ पर लगातार इस यात्रा शोभा यात्रा में शामिल होते रहे हैं। इसके पहले पूर्व मैं अनुरोध करूंगा महाराष्ट्र से कि आज के शुभ अवसर पर हम सबको अपने आशीर्वचन विजयादशमी के संबोधित करने जा रहे हैं। शुभ अवसर पर श्री श्री रामलीला समिति आर्य नगर गोरखपुर जी के तत्वाधान में आयोजित इस रामलीला आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री रेवती रमण दास जी, महामंत्री पुष्पतन जैन जी, कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल जी, प्रवक्ता विकास जालान जी, उप मंत्री श्री राजीव रंजन अग्रवाल जी, हरमेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, पीके मल जी, रामलीला समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण,
सभी उपस्थित श्रद्धालुजन, गोरखस्वीट की परंपरा के अनुरूप इस कोरोना कालखंड में भी हमें यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए रामलीला समिति आर्य नगर के सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूँ। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हजारों वर्ष पहले आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अन्याय, अत्याचार, आतंक और पाप के प्रतीक रावण को नष्ट करके धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग को प्रशस्त करते हुए एक आदर्श शासन पद्धति कैसे संचालित होनी चाहिए, राम राज्य का उदाहरण हम सब के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा हजारों वर्ष पहले तय किए गए उन पावन मर्यादाओं और नियमों के अंदर आज भी सदैव हमें प्रेरणा प्रदान करता है। मैं सबसे पहले आप सबको शारदीय नवरात्रि की और विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूँ। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। हम अपने पर्व और त्योहार को ऐसे समय में मना रहे हैं जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में है। कोरोना वायरस के कारण आप सबने इस बात को देखा होगा कि दुनिया में चाहे वह सामाजिक जीवन हो, व्यवहारिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो या जीवन का कोई भी पक्ष हो, बुरी तरह प्रभावित हुआ है। व्यापक पैमाने पर जनहानि भी हुई है, धनहानि भी हुई है और इसीलिए पर्वों पर भी इसका असर पड़ा है, आयोजनों पर इसका असर पड़ा है, हर प्रकार की गतिविधियों पर इसका असर पड़ा है। और इसलिए जब हम लोग पर्व और त्योहार मना रहे हैं, हम सबके सामने चुनौती थी कि कैसे हजारों वर्षों की इस पावन परंपरा को हम अक्षुण्य कैसे बनाए रख सकते हैं। एक तरफ COVID-19 के संक्रमण की चेन को भी रोकना था और दूसरी तरफ हमारे सामने पर्व और त्योहारों की पावन परंपरा को आगे बढ़ाना भी था। लेकिन हम सब इस बारे में जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन मर्यादाओं से भरा पड़ा है। हमने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। वे धराधाम पर इस सृष्टि के पालक भगवान विष्णु के मानव अवतार हैं और इस धरती पर एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए ही अवतार होते हैं। जिस धर्म, जिस सत्य और जिस न्याय की स्थापना के लिए उनका इस धरती पर आगमन हुआ था, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मर्यादाओं की एक लक्ष्मण रेखा हरेक नागरिक के लिए तय कर देते हैं। उसका व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, राजकीय जीवन हो, कोई भी क्षेत्र हो, मर्यादाओं से भरा पड़ा है। और याद रखना, करो
कोरोना की जिस लड़ाई को विगत 6 महीने से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश लड़ रहा है, आज दुनिया ने भी भारत का लोहा माना है। भारत का लोहा इस मामले में माना है क्योंकि इस महामारी की विकरालता को समझना और उस पर तत्काल निर्णय ले लेना, निर्णय लेने के साथ ही हम व्यापक जन और धन की हानि को कैसे रोक सकें, और स्वाभाविक रूप से जब बचाने की नौबत आएगी तो हमें जन हानि हर हाल में रोकनी है। और इस दृश्य में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आज से ठीक 7 महीने पहले जब 25 मार्च को लॉकडाउन प्रारंभ करने की घोषणा प्रारंभ हुई थी, 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, 2 महीने से कुछ अधिक समय तक लॉकडाउन की कार्रवाई चली थी, उसने संक्रमण को काफी हद तक नियंत्रित किया और कोरोना के संक्रमण को जो प्रारंभिक चरण में रोकने में सफलता प्राप्त देश को हुई, उस दौरान हमें राहत के कार्यों को आगे बढ़ाने, जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए शासन की योजनाओं को उस तक पहुंचाने और तकनीक के माध्यम से उन लोगों को इस कालखंड में कोई समस्या ना आने पाए, इसके बारे में व्यापक जो कार्य योजना तैयार करने में मदद मिली, उसका परिणाम है कि देश के अंदर 80 करोड़ लोग आज भी शासन की योजना के अंतर्गत मुफ्त में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देश के 12 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। 87 लाख वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं, दिव्यांग जनों को उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पेंशन की सुविधा का लाभ देने के साथ साथ प्रधानमंत्री पैकेज के अंदर भी उन्हें धनराशि उपलब्ध करवाने में मदद हमें मिली। निर्माण श्रमिक हो, ठेला पहुंचा, रेड़ी लगाने वाले जितने भी पटरी व्यवसायी हैं, इनको हो, पल्लेदार, पुली, इन सब के भरण पोषण की व्यवस्था का कार्य हो, अगर लॉकडाउन नहीं होता और हमें संक्रमण रोकने के लिए वह 2 महीने का कार्यकाल नहीं मिलता तो अमेरिका जैसा देश जहां पर पस्त हो चुका हो, जिस अमेरिका के सामने हमारी स्वास्थ्य सेवाएं काफी कम हैं, उन स्थितियों में अंदाजा लगा सकते थे भारत की क्या स्थिति होगी, 135 करोड़ की आबादी के देश की क्या स्थिति होगी। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने समय पर निर्णय लेकर के एक एक कदम भारत के 135 करोड़ लोगों के जीवन को बचाने के लिए तत्परता से उठाए और साथ साथ गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा, आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा, और इसके साथ ही उन्होंने भारत के अंदर कैसे भारत आत्मनिर्भर बनेगा, इस आत्मनिर्भर भारत के लिए लोकल को वोकल बनाने, परंपरागत उत्पाद को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ा करके हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम जिसमें हमारा स्थानीय हस्तशिल्पी, स्थानीय कारीगर लगा हुआ है, इन सब के कल्याण का मार्ग हम कैसे प्रशस्त कर सकते हैं, इस कार्यक्रम के 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा करके उन्होंने प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक संतुलन लाने और उसे स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का प्रयास किया। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हम वर्तमान में 5वें चरण के अनलॉक के कार्यक्रम में हैं। सारी गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी है और सारी गतिविधियां प्रारंभ होने के साथ साथ जनता जनार्दन की इच्छा शक्ति के बल पर आज कोरोना वायरस परास्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, संक्रमण अपने आप कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1 महीने के दौरान अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 40,000 से अधिक कोरोना के एक्टिव केसेस कम हुए हैं। यानी ये चीजें इस बात को दिखाती हैं कि अगर मनुष्य ने ठान लिया तो फिर
उसके सामने कोई भी चुनौती चुनौती नहीं बन सकती। लेकिन याद रखना, हमें पर्व त्योहार और सामान्य जनजीवन को तो व्यवस्थित करना ही है, लेकिन इसके साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की उस मर्यादा का पालन भी करना है, जिस मर्यादा के बल पर यह धरती टिकी हुई है। और मर्यादा का पालन जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले हम सबके लिए लक्ष्मण रेखा तय की। उन्होंने कहा कि पर्व और त्योहार मनाए, सामान्य जनजीवन आगे बढ़े, हमें किसी भी प्रकार के अन्य गतिविधियों पर कोई किसी प्रकार की रोक नहीं लगानी है, लॉकडाउन की तरह हमें फिर से नहीं जाना है, लेकिन कुछ मर्यादाओं का पालन करना होगा। और ये मर्यादाएं क्या है? 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। यानी अगर हम लोग अपनी सामान्य दिनचर्या को आगे बढ़ाते हुए 2 गज की दूरी का पालन कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो संक्रमण को रोकने में काफी हद तक हम स्वयं भी सफल हो सकते हैं। और इसीलिए परंपरागत जो गोरखनाथ मंदिर से विजय जुलूस निकलता था, उस जुलूस को इस बार रोक करके हम लोगों ने प्रयास किया कि मर्यादित तरीके से हम लोग जाएं और मानसरोवर मंदिर में भगवान शिव का, मां दुर्गा का, वहां पर राम दरबार भी है, कृष्ण दरबार भी है, उन सब का अभिषेक करते हुए, देव विग्रहों का पूजन करते हुए, और उसके बाद फिर यहाँ पर इस 100 वर्ष से भी प्राचीन चली आ रही रामलला की इस परंपरा को यहाँ पर भगवान राम का अभिषेक करते हुए, तिलक राज तिलक करते हुए इस कार्यक्रम को भी हम अनवरत बनाए रख सकें। और आज इसी परंपरा का पालन करते हुए मैं यहाँ पर आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, इसीलिए समय पे भी आ गया। नहीं तो अक्सर हम लोग 5:30 से 6 बजे के बीच में यहाँ पहुंचते थे, अंधेरा हो जाता था। आज हम लोग सीधे मंदिर से चले हैं, बंद गाड़ी में यहाँ पर आए हैं, तब भी जगह जगह काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन खड़े थे, लेकिन सभी को इसका पालन तो करना होगा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की जान महत्वपूर्ण है और हमें जान भी बचाना है और जहान भी बचाना है, तो दोनों के लिए हमें अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। और इस दिन से ये कार्यक्रम यहाँ पर आज चला है। यह वर्ष हमारे लिए कई मायने में महत्वपूर्ण है। कोरोना से जूझते हुए मानवता की रक्षा करने के लिए भारत व्यापक सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन गोरखपुर वासियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हजारों वर्षों की विरासत को संभाला हुआ मानसरोवर मंदिर और उसके आसपास जितने देव विग्रह के मंदिर थे, उन सब का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न हुआ और भव्य मंदिर वहां पर बनकर के तैयार हुआ। आप देख सकते हैं कि कितनी पवित्र और पवित्र, पहले हम लोग जाते थे टूटे फूटे जर्जर मंदिर में पूजा करनी पड़ती थी, लेकिन इस वर्ष भव्य और दिव्य मंदिर में भगवान के दर्शन, देव विग्रहों का दर्शन और पूजन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। कितना दिव्य दर्शन वहां पे हुआ है। देव दर्शन करने के बाद हम लोगों को रामला मैदान में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ। रामला मैदान में पिछले 100 वर्षों से तो गोरखपीठ की परंपरा यहाँ के साथ जुड़ी थी, उससे भी प्राचीन परंपरा है, और उस परंपरा को और मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर इस रामला मैदान के पुनरुद्धार का कार्य किया। रामला समिति आर्य नगर ने इसमें सहयोग प्रदान किया और उसका परिणाम है कि आज एक भव्य मंच, सुरक्षित बाउंड्री और एक अगले वर्ष तक आपको एक बहुत भव्य प्रांगण यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। एक भव्य कार्यक्रम आपको यहाँ पर रामलला का ये अनवरत रूप से चलिए। रामलला का मतलब केवल एक मंच नहीं है, एक मंचन नहीं है, अपने समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति करने वाला एक मंचन, जो हम सबको एक एक घटना हम सबके लिए जीवन के प्रत्येक क्षण में कुछ न कुछ एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, कुछ न कुछ एक नई प्रेरणा प्रदान करता है।
और उस नई प्रेरणा की दृष्टि से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला का यह मंच जिस भव्यता के साथ आज यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, मैं इसके लिए रामलीला कमिटी समिति आर्य नगर को भी और पर्यटन विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक और आध्यात्मिक विरासत की प्रतीक रामलीला के नाम पर इस मंच को पूरी तरह सुरक्षित करते हुए अब ये रामलीला मैदान के ही नाम पर रहेगा। अब यहाँ पे कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। नहीं तो अक्सर होता था कि कहीं भी अगर पदाधिकारियों के मन में खोट आ गया या कहीं पे कोई ऐसी सरकारें कभी आई कि जिन्हें इस प्रकार की चीजें अच्छी नहीं थी, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें राम के नाम पर ही चिढ़ है, तो ऐसे लोग आ गए तो वे लोग फिर यहाँ पर पता लगा कि कब्जा करते हुए फिर उन लोगों के द्वारा अपने तरीके से यहाँ के पूरे विकास को बाधित करने के और यहाँ पर अवैध कब्जा करने की परंपरा हो जाएगी। लेकिन अब एक इसकी बाउंड्री हो चुकी है, सुरक्षित हो चुका है, कागजों में इसके नाम पे सुरक्षित हो चुका है। अन्य जगह भी हम रामलीला के मैदानों को और धार्मिक स्थलों को इसी प्रकार से संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं, जिससे भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को, धार्मिक विरासत को कहीं किसी की नजर न लगने पाए और इस दृष्टि से इस परंपरा को पूरी मजबूती के साथ हम लोग व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखने का कार्य करेंगे। और आज ये रामलीला मैदान अपनी उसी समृद्ध परंपरा के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं इसमें रुचि लेने के लिए श्री रेवती रमण दास जी को, पुष्पकंद जैन जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ जब इन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी पूरी सहृदयता के साथ अपनी सहमति दी, स्वीकृति दी और आज एक भव्य मंच यहाँ पर रामलीला समिति को प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से रामलीला के मंच के साथ साथ, रामलीला के कार्यक्रम के साथ साथ मैं तो चाहूंगा कि रामलीला समिति का कार्यक्रम केवल साल में एक बार रामलीला के मंचन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हम विजयादशमी का आयोजन इसलिए मनाते हैं धर्म, सत्य और न्याय के लिए। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं होता है, धर्म एक कर्तव्य है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराने वाली किसी भी घटना को हम लोग धर्म के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और हमें इस मंच का उपयोग करना चाहिए राष्ट्रभक्ति के कार्यों की दृष्टि से। समय समय पर बहुत सारे आयोजन होते हैं, हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के रूप में मनाते हैं, ऐसे अनेक अवसर आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम, हम भव्य रूप से मनाते हैं। इन कार्यक्रमों के मंचन का कार्यक्रम भी होना चाहिए और समय समय पर अगर धार्मिक भजन की एक श्रृंखला भी हम इन मंचों के आयोजन के माध्यम से करेंगे, लोगों में एक अच्छा भाव पैदा होगा। मैं देखता हूं गोरखपुर के अंदर 2-3 मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर आज भी सुबह प्रातः काल कोरोना कालखंड के पहले वे लोग सुबह सुबह कीर्तन मंडली अपने अपने मोहल्ले में निकालते थे और मैंने देखा कि अन्य मोहल्लों की तुलना में वहां पर उन मोहल्लों में ज्यादा जागरूकता थी सामाजिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी और विकास की दृष्टि से भी उन लोगों में ज्यादा जागरूकता वहां पर देखने को मिली थी। और इन मंचों का उपयोग हमें तभी करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जितनी अच्छी सजावट हो रही है, जितना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम अनवरत चलने चाहिए। साल में 4-6 कार्यक्रम हमें तय करने चाहिए कि इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग अन्य जगहों पर भी करें। यहाँ पे हमारे महापौर हैं सीताराम जी, मैं उनसे भी कहूंगा कि रामलीला के नाम पर जो मैदान सुरक्षित हैं, दुर्गा पूजा के नाम पर जो मैदान है, पार्क सुरक्षित हैं, उनको उसी प्रकार से संरक्षित रखने की आवश्यकता है और उनके सुंदरीकरण की एक व्यापक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है जिससे लंबे समय तक लोग उस परंपरा को उस रूप में आगे बढ़ा सकें, जिससे आने वाली पीढ़ी को पता लग सके कि इतनी समृद्ध परंपरा के हम वारिस हैं और उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति हर व्यक्ति कर सके। दूसरा, यह वर्ष हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए भी 492 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ।
अपने अनुभव क्या होगा। अयोध्या आज दुनिया के अंदर अपनी यश और कीर्ति को पहनाने के लिए, पहुंचाने के लिए, उस यश और कीर्ति को लेकर के जाने की पूरी तैयारी के साथ है। 492 वर्षों तक अनगिनत पीढ़ियां चली गई, उन पीढ़ियों के मन में एक ही इच्छा थी, हम अपने आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का सपना साकार कर सके। वे लड़ते रहे, वे लगातार आराधना करते रहे, उनके द्वारा लगातार किए गए अपने कृतित्व से, जो तप और साधना से, जो शक्ति और जो ऊर्जा निकलती थी, ऊर्जा एक एक करके वो बढ़ती गई और 5 अगस्त 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका, उस कार्यक्रम का भी शुभारंभ हो चुका है। इसलिए यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की यश और कीर्ति को दुनिया के अंदर पहुंचाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इस दृष्टि से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, गोरखपुर वासियों को इसलिए भी बधाई देता हूं, क्योंकि आधुनिक कालखंड में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में गोरखपुर की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पूर्वज अयोध्या के आंदोलन में गए होंगे। मेरे पूज्य दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, जब 1949 में रामलला का प्रकटीकरण होता है, तब गोरखपुर से हजारों की संख्या में श्रद्धालुजन अयोध्या पहुंचे थे। आप में से बहुत सारे और बहुत सारे लोगों ने 1984 में पनी राम जन्मभूमि मुक्ति की समिति जिसका नेतृत्व ब्रह्मलीन गोरख सपीठाधीश्वर पूज्य महंत अभेद्यनाथ जी महाराज कर रहे थे। उस राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के साथ भी आप में से बहुत सारे लोग और बहुत सारे आपके पूर्वजों में से बहुत सारे लोगों ने भी उस आंदोलन में सहभागी बनकर के अपने जन्म और जीवन को कृतार्थ किया होगा, धन्य धन्य किया होगा। और आज उस तप और उस साधना का परिणाम हम सबके सामने आया है, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। देखिए, ये घटना हमें इस बात के लिए बार बार इशारा करती है कि अगर धैर्य हो, धैर्य के साथ अगर हम सब इंतजार कर सकें, भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की जो प्रेरणा अर्जुन को दी और जिस बारे में कहा कि हे अर्जुन, तुम केवल कर्म करो, निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म की प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो देते हैं, इस निष्काम कर्म के पीछे का उद्देश्य ही है, हमारा काम कर्म करना है, फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं। अगर हमने निष्काम कर्म किया तो उसका इच्छित फल ऊपर वाला हमें जरूर देगा। और यह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के साथ हम सब ने इस चीज को अनुभव किया है। मुझे आज के दिन पर बहुत प्रसन्नता है कि एक एक करके सारे कार्य आगे बढ़ने जा रहे हैं। गोरखपुर विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहा है, पूरा देश आज समृद्धि की ओर अग्रसर होकर के कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का मुकाबला सफलतापूर्वक करते हुए वैश्विक स्तर पर अपनी एक नई धमक के साथ आगे बढ़ रहा है। ये सभी भारत के 135 करोड़ लोगों को ये घटनाएं गौरवान्वित करती है। ये सभी घटनाएं हमने हमारे अतीत और हमारे वर्तमान को जोड़ने के साथ हम सबको एक नई प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सब से एक बार फिर यही अपील करूंगा कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं, इसलिए सभी
उन मर्यादाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने परंपरागत जुलूस नहीं निकाला, विजय जुलूस को पूरी तरह स्थगित करते हुए कि जब तक कोरोना है तब तक इस प्रकार के कार्यक्रमों को स्थगित करना होगा। और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी समितियों को, कमेटियों को, खासतौर पर माँ दुर्गा के अनुष्ठान के लिए जगह जगह जो पंडाल लगते थे, बड़े बड़े पंडाल लगते थे, बड़े बड़े आयोजन होते थे, हजारों लोग उसमें सहभागी बनते थे, उन सभी लोगों ने भी इसका पालन किया, अपने घरों में छोटी मूर्ति रख करके पूजा की। जो भव्यता और दिव्यता सड़कों पे दिखती थी वो भले ही सड़क पर न हो लेकिन वो भव्यता और दिव्यता आज भी पूरी मजबूती के साथ उन सभी घरों में देखने को मिल रही है, जहां पे माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई है या जहां पे कलश के पूजन के माध्यम से ही अपनी इस परंपरा को लोगों ने अक्षुण्य बनाए रखा है और पूरी पवित्रता के साथ मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम के साथ भी जा रहे हैं। मैं प्रदेश के गोरखपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई थी वह गाइडलाइन भी एक मर्यादा ही है और उस मर्यादा का पूरा पालन करते हुए सभी श्रद्धालुजनों ने, माँ दुर्गा के सभी भक्तों ने, भगवान श्री राम के सभी भक्तों ने इसका पालन किया और पालन करते हुए इस बात को सुनिश्चित किया कि हम लोग हर हाल में किसी भी स्थिति में मर्यादा को भंग नहीं होने देंगे और पूजा रोग बीमारी से भी लड़ेंगे और अपने अनुष्ठान को अपने घर के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समुदाय के साथ एक छोटे से प्रांगण में इसको संपन्न करके इस बार बीमारी से लड़ने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और उन मर्यादाओं का भी पालन करेंगे। सभी कार्यक्रम अनवरत रूप से चलते जा रहे हैं। मैं एक बार फिर से आप सबसे अपील करूंगा हम इन सब का पालन करें, हर हाल में 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन करते हुए हम लोग कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में अपना अपना योगदान देंगे। सभी कार्यक्रम हमें खुलने चाहिए, अब बाधित नहीं रहने चाहिए, हर एक कार्य इन मर्यादाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ सकता है और उसका पालन करते हुए अगर हम आगे करेंगे तो मुझे लगता है कोई भी समस्या हमारे जीवन में नहीं आने वाली है। मैं एक बार फिर से आप सबको शारदीय नवरात्रि के उपरांत विजयादशमी इस तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में सुख और समृद्धि दे। आपका जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका सार्वजनिक जीवन सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर हो, इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए नानी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।